बोर्ड की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन आ चुका है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, हमको मोटर बोट की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और एक घंटा ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से टू द सेम पॉइंट, और यहाँ पे हमने फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे देखो हम पकड़ लेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये यहाँ पे हमने पकड़ ली x किलोमीटर पर आवर। अब देखो मोटरबोट की स्पीड यहाँ पे हमको गिवन है, तो डाउन स्ट्रीम में मोटरबोट की स्पीड क्या होगी ये हमको पता होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ मोटरबोट इन डाउन स्ट्रीम देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से स्पीड ऑफ मोटरबोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, देखो डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारी मोटरबोट की स्पीड है और जो हमारी स्टीम की स्पीड है दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमको डाउन स्ट्रीम में मोटरबोट की स्पीड मिल जाएगी। और अप स्ट्रीम में देखो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ मोटरबोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में भी हमको पता होना चाहिए अप स्ट्रीम के केस में क्या होगी इसकी स्पीड। तो अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी, देखो ये 18 माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमेशा क्या करेंगे, देखो मोटर बोट की स्पीड में से स्टीम की स्पीड को माइनस करेंगे, ना कि स्टीम की स्पीड में से मोटर बोट की, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होगा, मोटर बोट की जो स्पीड होगी वो हमेशा स्टीम की स्पीड से ज़्यादा होगी, तभी क्या होगा मोटर बोट जो होगी वो अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर पाएगी। तो हमेशा 18 माइनस एक्स ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे, कि जो भी हमारी स्पीड रहेगी मोटर बोट की उसमें से हम स्टीम की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। कभी भी ऐसा मत करना कि x माइनस 18 कर दो, मेनली यहाँ पे यही हमारी जो मिस्टेक्स है वो होती है। तो अब देखो हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लग रहा है एक घंटा डाउन स्ट्रीम से, तो जो अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा होगा ना पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं T1 जो निकाल रहा हूँ ना, T1 ये सपोज करके चलो कि ये अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है, तो आपको पता होगा जो हमारा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला होता है, उससे अगर हम टाइम निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 24 हो गई और स्पीड कौन सी होगी, अगर हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो जो जो स्पीड होगी वो हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड होगी 18 माइनस एक्स। तो ये तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है वो निकल गया, अभी हमने क्या करना है डाउन स्ट्रीम का भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है वो हम निकालेंगे T2। देखो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स ये। तो अप स्ट्रीम में हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था डाउन स्ट्रीम से 1 आवर, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या कर दोगे 1 आवर। T1 माइनस T2 इक्वल टू यहाँ पे हम 1 आवर ले लेंगे, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस हमको मिल रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टू द सेम पॉइंट। अभी मैं सारी वैल्यू यहाँ पे कैरी कर देता हूँ, T1 की वैल्यू थी देखो यहाँ पे 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, और T2 की वैल्यू है 24 ओवर 18 प्लस एक्स ये इक्वल टू 1। तो अभी देखो इसमें हमने LCM लेना है LHS साइड का, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप जो भी आपको कॉमन दिख रहा है पहले आप कॉमन पकड़ लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स, और इधर पे बचेगा 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से ये। तो अभी देखो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये मल्टीप्लाई में 24 ये 1 के चले जाएगा डिवाइड में यहाँ पे ऐसे, और अभी इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, और इस माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 18 माइनस एक्स में, ये हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस का एक्स, और यहाँ से आपको मिलेगा देखो ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से, तो यहाँ से आपको ऐसा मिल जाएगा देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से हमारा, देखो ये जा रहा है एक्स, सॉरी ये 18 से 18 जा रहा है, 18 से 18 जा रहा है, और ये बन जाएगा 2x। तो यहाँ पे बन गया देखो 2x, और इधर आपको ये पकड़ में आ रहा होगा 18 का स्क्वायर होता है 324, तो स्क्वायर भी आप थोड़ा लर्न कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर आपको मिलेगा 1 अपॉन 24। अभी जस्ट मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 324
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48x, ये आपको पकड़ में आ गया। तो यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, देखो इसको धन ले जा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x और ये माइनस का 324 इक्वल टू जीरो। तो अभी देखो हमने प्रोडक्ट करके लाना है ये 324 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लेके आना 48। तो ऐसे फैक्टर सोचने पड़ेंगे जो हमको ये दे दें। तो अगर आप चाहो तो इसके फैक्टर्स निकाल लो 324 के, बाद में मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं। तो अभी बेसिकली इसमें मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना बता रहा हूँ। देखो टू से जा रहा है वन जा, फिर सिक्स जाएगा, उसके बाद टू जाएगा, फिर टू से अगेन एट जा रहा है, ये वन जा रहा है, और ये थ्री से जाएगा, ये जा रहा है थ्री से टू जा, और फिर टू बचेगा सेवन जा, फिर थ्री से जा रहा है नाइन जा, थ्री से थ्री जा, थ्री से वन जा, तो इतना सारा कुछ मिल रहा है ये। तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर्स हमने निकालने हैं, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। एक तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये टू से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा ये टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, और एटीन को इससे करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 54, और इधर से आपको मिल रहा है सिक्स। तो बेसिकली एक आपका 54 बन रहा है और एक सिक्स बन रहा है, क्योंकि 54 में से अगर आप सिक्स सब्ट्रैक्ट करते हो तो 48 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे जो फैक्टर बनेंगे देखो वो बन जाएंगे हमारे, एक 54 बन रहा है और एक मुझे मिल रहा है यहाँ से सिक्स, ये आ गया। तो अभी देखो यहाँ से तो x कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 54, और यहाँ से माइनस सिक्स पकड़ में आ रहा है, ये मिल जाएगा x प्लस 54 इक्वल टू जीरो। तो एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा x प्लस 54 आ जाएगा एक फैक्टर आपका, और एक फैक्टर मिल जाएगा x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको जीरो रखते हो x प्लस 54 को, तो यहाँ से तो आपको माइनस में मिलेगा, जो हमारा क्या है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो x माइनस सिक्स को आप जीरो रखते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू सिक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। देखो जो मोटर बोट की स्पीड थी वो थी 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा क्या होगा स्टीम की स्पीड मोटर बोट से क्या होगा कम आएगी, इस बात का हमेशा हमने ध्यान रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन है देखो, थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट चेंज है बस, बाकी सारा क्वेश्चन करने का तरीका पूरा वही है। तो बार बार एग्जाम में रिपीट होते थे ये दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, लेट स्पीड ऑफ स्टीम मैंने यहाँ पे पकड़ ली, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मैंने पकड़ ली एक्स किलोमीटर पर आवर, और सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है हमने, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम जो भी हम निकालना चाहें। तो पहले मैं अप स्ट्रीम में निकाल लेता हूँ, अप स्ट्रीम में मैंने आपको बोला था कि सबट्रैक्ट करेंगे, इसकी जो स्पीड है देखो 24 है, तो 24 माइनस एक्स कर देंगे इसको अप स्ट्रीम के केस में, और डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। तो ये तीन स्टेप हमारे ऐसे रहेंगे, ये एज इट इज सिग्नेचर स्टेप की तरह यूज करेंगे इसको हम। अभी देखो क्या होगा, सेम एक घंटा ज़्यादा लग रहा वाला बात हो रही है यहाँ पे भी, देखो वन आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो सेम स्पॉट पर रिटर्न हो रहा है तो डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी। तो अभी क्या करेंगे देखो, अगर हम अप स्ट्रीम का टाइम निकालें, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है वो निकालें, तो अप स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो हमारी 32 है, और अप स्ट्रीम की स्पीड जो है वो ये है 24 माइनस एक्स, ये तो हमारा हो गया अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है वो 32 अपॉन 24 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा होगा वो हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 32 ओवर 24 प्लस एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस हमारी सेम है।
तो भी 1 आवर का डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या होगा, देखो T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या करोगे, 1 आवर रख दोगे। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 32 ओवर, स्पीड कितनी थी यहाँ पे इसकी, 24 माइनस एक्स और माइनस 32 ओवर 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो ये आ गया। देखो अभी इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, यहाँ से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 32 दोनों जगह से हमको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 32 बाहर पकड़ लेते हैं इसको, ये मिल जाएगा 1 अपॉन 24 माइनस एक्स और इधर से आ जाएगा 1 अपॉन 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो अभी ये 32 इसके 1 के नीचे चले जाएगा डिवाइड में, और इधर हम एलसीएम पकड़ रहे हैं इस साइड का, ये हमको मिलेगा 24, थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ा, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन 32 और इधर आपको मिल जाएगा 24 प्लस एक्स, और इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे माइनस का 24 और ये प्लस का एक्स, ये मिल जाएगा यहाँ से आपको। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, देखो अभी डिनोमिनेटर में क्या पकड़ में आ रहा है, एक देखो ये ए माइनस बी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो ये दोनों 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा 2x और इधर आपको ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर मिलेगा आपको 64x। तो अभी ये दोनों टर्म को इधर ले जाओ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हमको मिल गई। तो अभी क्या करना है, 576 के फैक्टर्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसके फैक्टर्स, 576 के मैं यहाँ पे फैक्टर निकाल रहा हूँ, क्या मिलेंगे, देखो 2 से जा रहा है, 2 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा, फिर 8 जा जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 1 जा, 4 जा, 4 जा, फिर 2 से जा रहा है 7 जा और 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये 3 जा और फिर 6 जा, फिर 2 से जा रहा है 18, 2 से जा रहा है 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो ये इतने सारे हमको यहाँ से फैक्टर मिल जाएंगे। तो देखो इसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हमको चाहिए 576 और ऐड या सबट्रैक्ट करके हमको चाहिए 64। तो ऐसे फैक्टर्स हमने सोचने पड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करके हमको 576 दे दे और ऐड या सबट्रैक्ट करके 64 दे दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, एक तो हम 8 पकड़ लेते हैं और यहाँ से 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 24 और 24 और ये यहाँ से मिल जाएगा 72। ये तो एक हमारा 8 आ रहा है और एक आ रहा है 72, तो ये बन जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 72 और ये 8 और ये 576। तो आपने कॉम्बिनेशन बना के रेंडमली चेक करने पड़ेंगे, मैंने काफ़ी टाइम्स इसको चेक किया हुआ है तो शायद मैं इतना जल्दी कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इनको रेंडमली क्या करोगे, चेक करोगे एक एक बार कि क्या कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे से कुछ कॉमन मिल रहा है, ये मैं एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, ये बचेगा एक्स प्लस 72 और इधर से 8 कॉमन मिल रहा है, ये माइनस का होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का 8 होगा ये, तो यहाँ से देखो 8 कॉमन मिल रहा है, ये भी आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 72 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा मिल रहा है एक्स प्लस 72, ये मिल गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको माइनस में, जो क्या है हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी, तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा आ चुका है, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो स्पीड दे रखी है मोटर बोट की स्टिल वाटर में, ये हमको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर,
और 15 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम और 22 जा रहा है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ स्टीम फाइंड करनी है यहाँ पे हमने, तो क्या करेंगे देखो, सबसे पहले मैं स्पीड ऑफ स्टीम यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये यहाँ पे मैंने पकड़ ली एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी मोटर बोट की वो क्या होगी, हमारी स्पीड ऑफ मोटर बोट या स्पीड ऑफ बोट बोल देते हैं इसको सीधे, इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करते थे इसको, जो हमारी स्पीड ऑफ बोट होती थी उसको क्या करते थे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में ऐड कर देते थे, तो हमको मिल जाती थी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये हो जाएगा 8 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे देखो, जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या होगा, मोटर बोट की स्पीड जो होगी अप स्ट्रीम में वो हमारी हो जाएगी यहाँ से 8 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो ये तीन बेसिक स्टेप थे, ये आपको आगे होंगे अभी। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, सपोज करो हमारा जो T1 टाइम है वो लग रहा है यहाँ पे देखो अप स्ट्रीम जाने में, तो अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है सपोज करो T1 लग रहा है, तो T1 जो टाइम लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो यहाँ पे है 8 माइनस x, और T2 जो टाइम लग रहा है वो हमारा लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम का देखो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखिए 22 और अपॉन में आ जाएगा 8 प्लस x ये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में जो टाइम लग रहा है हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में, दोनों में जो कंप्लीट टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 आवर। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू 5 आवर। बस इसमें क्या करना है, वैल्यू को प्लेस कर देना और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। तो अभी आगे दिखाता हूँ मैं ये कैसे आएगा। देखो ये हो गया 15 ओवर 8 माइनस x प्लस 22 ओवर 8 प्लस x इक्वल टू 5। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आ जाएगा देखो यहाँ से 15 और ये हो जाएगा 8 प्लस x और ये आ जाएगा प्लस 22 और ये आपको पकड़ में आ जाएगा 8 माइनस x ओके। और ये हो गया देखो यहाँ से, ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा a² माइनस b²। अभी आप सीख गए होगे ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, यहाँ से मिल जाएगा देखो ये 120 प्लस 15 x प्लस यहाँ से मिल रहा है आपको 176, ये 176 और ये आ जाएगा 22 x और अपॉन में आपको दिखेगा यहाँ पे 64 माइनस x² और इधर 5। अभी कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं है, इसको इसको ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 296 और यहाँ से मिलेगा माइनस का 7 x अपॉन में आ जाएगा ये 64 माइनस x² इक्वल टू 5। जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से ये आ जाएगा 320 और यहाँ से मिलेगा माइनस का 5 x² इक्वल टू 296 माइनस 7 x ओके। इतना मिल गया यहाँ से। अभी अब इसको देखो, हम सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें, इस 5 x² को मैं लेके आया, प्लस का हो जाएगा ये और ये माइनस का 7 x और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, इतना दे रहा है हमको 320 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 320 में से सब्ट्रैक्ट करना है 296 को, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 4 आ रहा है देखो यहाँ से और इधर यह जा रहा है 224 मिल जाएगा ये आपको इक्वल टू 0। तो अभी मल्टीप्लाई करके हमने लाना है 5 × 24, ये हमारा होगा 120। तो 120 के फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, 120 के आप फैक्टर निकालोगे देखो 2 से जा रहा है 60 टाइम्स, अगेन 2 से जा रहा है 30 टाइम्स, 2 से जा रहा है 15 टाइम्स और एक 3 से जाएगा 5 जा और 5 से जाएगा 1 जा। एक तो यहाँ से आपको 15 दिख रहा होगा और एक आपको इधर से मिलेगा 8, 15 और 8 बन जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा देखो यहाँ से 5 x² माइनस 15 x प्लस 8 x माइनस 24 इक्वल टू 0।
यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, यह आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक आपको मिल जाएगा x माइनस 3 और एक पकड़ में आ जाएगा 5 प्लस, और यहाँ पे x भी होगा, ये 5x प्लस 8 ये। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस में, जो कि हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 3, यह जाएगा x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यही क्या होगा हमारा, स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपके पकड़ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला वाला देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा आ चुका है, मोटर बोट की स्पीड हमको दे रखी 9 किलोमीटर पर आवर और हमने फाइंड करना है स्टीम की स्पीड। तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये मैंने पकड़ ली, देखो यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, और अभी स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम, जो भी आप निकालना चाहो। मैं पहले डाउन स्ट्रीम में निकाल लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखो डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगी 9 प्लस एक्स, ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर, और फिर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, सबट्रैक्ट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये अभी आप सीख गए होंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो जो टोटल टाइम लग रहा है, जाना भी है और कम बैक भी होना है, तो इसका मतलब टोटल टाइम लग रहा होगा, वो लग रहा है 3 आवर 45 मिनट। तो अभी यहाँ पे मिनट का भी लोचा आ गया है, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। देखो सपोज करो, देखो हमने 15 किलोमीटर ही जाना है और बैक भी 15 किलोमीटर ही आना है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स है और टोटल टाइम लग रहा है 3 आवर्स 45 मिनट्स। सपोज करो जो T1 टाइम लग रहा है ना, वो लग रहा है आपका अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, सपोज करो T1 लग रहा है, या पहले डाउन स्ट्रीम ले लेते हैं, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, T1 लग रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया T1, डिस्टेंस हमने करनी है 15 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी 9 प्लस एक्स, ये तो हमारा हो गया डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है। अभी अप स्ट्रीम जाने में सपोज करो टाइम लग रहा है T2, ये हो जाएगा 15 ओवर 9 माइनस एक्स। तो जो टोटल टाइम हमको दे रखा है ना T1 प्लस T2, ये हमको दे रखा है 3 आवर्स 45 मिनट। 3 आवर्स तो 3 आवर्स कंप्लीट है, और 45 मिनट को क्या करोगे आप, आवर में कन्वर्ट कर लोगे 60 से डिवाइड करके। तो अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो यहाँ से 15 से जा रहा है 3 जा और ये जा रहा है 4 जा, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 15/4। काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया ये, आगे दिखाता हूँ आपको कैसे करना है इसको। देखो यह आ जाएगा 15 ओवर 9 प्लस एक्स प्लस 15 ओवर 9 माइनस एक्स इक्वल टू 15/4, यही मिला था आई थिंक हमें पीछे। तो अभी इसमें देखो यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म से, और ये वाले 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको वन जा कैंसिल आउट कर देता हूँ तीनों को। अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 9 माइनस एक्स और इधर मिलेगा 9 प्लस एक्स, और आपको देखो डिनोमिनेटर मिलेगा ये ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से, यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर 1/4 मिल गया हमको। अभी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये एक्स से ये एक्स जा रहा है, 9 और 9 18 मिल जाएगा आपको यहाँ से, इधर हो जाएगा देखो 81 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है, देखो यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72। इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजता हूँ, 72 को इधर लेके आ जाते हैं, ये आ गया। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी आती होगी, नहीं भी आती तो हम सिखा देंगे आपको, ये हो जाएगा। अभी देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर 9 है, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी +-3। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से प्लस वाली कोई पकड़ के चलेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो प्लस में होगी, ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। जो स्टीम की स्पीड है वो आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप
आपको ये पकड़ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।